कभी यासीन कहा, कभी मुजम्मिल कहा, कभी मुदस्सिर कहा, कभी कुरान मजीद ने फरमाया लक़द काना लकुम रसूलुल्लाह उस्वतुन हसना, और कभी वमा यंतिकु अनिल हवा की सनद। ये हुसैन की अजमत, ये हुसैन की अदादारी, ये हुसैन के लिए जो मातम, खुदा हमारे नौजवानों को सलामत रखे। आपने मातम किया, थक गए, लेकिन जरा करबला में आपने मातम किया, आपके मातम करने पे कोई रोक टोक नहीं न था अरबाब आज़ा। जरा करबला में देखिए मातम करने पे कैसा रोक था अरबाब आज़ा। आज उसी के बेटे का, आज शहादत उसी के बेटे की, जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जिनकी शहादत 25 मुहर्रम अल हराम और जहर अब्दुल मलिक वली बिन अब्दुल मलिक ने दिया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया ऐ बाबा, जब उनसे पूछा गया, किसी शख्स ने सवाल किया कि सबसे ज्यादा आपको रोना कहाँ आया, अरबाब आज़ा जनाब सैयद सज्जाद ने कहा मुझे सबसे पहली मंजिल वो है कि जहाँ पे मुझे रोना आया, वो है जब मेरे बहनों के सरों से मकनों चादर छीन ले गई अरबाब आज़ा। दूसरी मरतबा जनाब सैयदा से, जनाब सैयद सज्जाद से सवाल किया गया कि ऐ मौला आपको दूसरी बार कहाँ पे सबसे ज्यादा रोना आया, मौला सज्जाद ने फरमाया मुझे दूसरी बार उस मंजिल पे रोना आया कि जब छोटे छोटे बच्चे अलतश अलतश की सदाएं बुलंद कर रहे थे, एक 4 साल बच्ची है जिसको इमाम हुसैन इतनी मोहब्बत करते थे, रातों में सोते थे तो ख्वाब में जनाब सकीना ख्वाब में बाबा को याद करती थी, जिसको बाबा के जाने के बाद रुखसारों पे तमाचे मारे गए और एक उसके दामन में आग लगा दी गई। और बाबे आजा उस सकीना का इम्तिहान कैसे यजीद ले रहा था, अरे जब सकीना को खजूरें पसंद थी, एक मरतबा यजीद कहता है तुम्हें खजूरें पसंद है, और बाबे आजा यजीद हुक्म देता है जाओ सकीना के लिए खजूरें लेके आओ। और बाबे आजा अब जब सकीना के लिए तश्त आता है, और बाबे आजा आपके घरों में भी बच्चे होंगे, अगर कोई चीज उनके सामने दिखाइए और वो उसे पसंद हो तो चाहते होंगे किसी तरीके से मिल जाए। इसी तरीके से जनाब सकीना, और बाबे आजा जनाब सकीना के सामने जब वो तश्त आ रहा था तो जनाब सकीना जान।
Yeah.